स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के आंसर राइटिंग वीडियो में तो आज का क्वेश्चन है एथिक्स के ही एक डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है लेकिन हम हल्का सा गवर्नेंस वाले पर्सपेक्टिव में घुस रहे हैं तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा करप्शन uh, तो वैसे आपने लाइफ में कहीं ना कहीं तो झेला ही होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी, भी है ना तो ये क्वेश्चन हल्का सा करप्शन से रिलेटेड ही है कि कैसे करप्शन करते हुए भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिविल सिविल सर्वेंट को थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देता है या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है उनमें कुछ कमियां हैं राइट right? तो उस चीज पे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये गवर्नेंस का And के पेपर का। बहुत बार इस पे case and भी आ चुके तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए चलिए आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें रिक्वायरमेंट होंगी एक तो आपको कंटेंट भी पता होना चाहिए सारे जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो पता होना चाहिए एंड दूसरा आपको जजमेंट भी पता होना चाहिए ये भी जरूरी है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंड दूसरा कि इसको स्ट्रक्चर कैसे करेंगे एंड स्ट्रक्चर के अंडर कुछ ऐसे चीजें भी हैं जहां कंटेंट आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा तो वो कंटेंट भी कैसे हम डेवलप करेंगे उस चीज को सोचने का तरीका हम देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस uh, करते हैं देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है uh, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ शील्डेड द गिल्टी

टू पेजेस हैं आपके पास इन दो पेजेस में कॉम्पोनेंट को क्वेश्चन को आप कैसे ब्रेक करेंगे कौन सा हेडिंग कहाँ पे आएगा फटाफट सोच के आप लोग इसको अपने कॉपी में लिखिए चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कॉम्पोनेट्स हैं क्वेश्चन के तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ हैं इन प्रैक्टिस मतलब वैसे तो ठीक है लेकिन असली में जो ग्राउंड लेवल की रियालिटी है उसमें उसने शील्ड किया है गिल्टी को दिक्कत यही हो गई है कि जिसको शील्ड नहीं करना चाहिए जो गलतियां कर रहा है जो करप्शन कर रहा है उसको भी यहाँ पे आ, शील्ड किया गया है फॉर द एब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस पब्लिक ऑफिस पब्लिक सर्वेंट्स पब्लिक ऑफिस तो वो लोग कई बार अपने पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट गेन के लिए करते हैं टेंडर अपने रिलेटिव्स के नाम पे निकाल देंगे है ना आ, बहुत सारे करप्शन के इश्यूज होते हैं फाइनेंशियल करप्शन हो सकता है रिक्रूटमेंट बेस्ड करप्शन हो सकता है है ना तो बहुत सारे करप्शन होते हैं तो पब्लिक ऑफिस को जो पब्लिक पावर दी गई है उसको

प्रोड्यूस करने की का जो आ, है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी है जो भी पब्लिक जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन है जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए वो आपको प्रोड्यूस करना है बिना पूछे बिना बोले है ना दैट इज ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी काम आप कर रहे हो है ना यू आर आंसरेबल फॉर दैट काम ठीक है मतलब इफ आ, अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसकी आंसरेबिलिटी आपकी है वहां उसमें आउटकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी एंड यू विल बी ठीक है तो दैट इज अकाउंटेबिलिटी ये चीज हो गई तो हमें देखना है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाकर हम ये जो करप्शन वाला चीज है उसे कम कर सकते हैं देखिए यहाँ पर डिलेमा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है उनको बदलना बड़ा मुश्किल है है ना क्योंकि इतने सालों से चले आ रहे हैं और उनके फायदे भी हैं जो इन जो पब्लिक सर्वेंट जो सिविल सर्वेंट ऑनेस्ट है राइट उसको तो प्रोटेक्शन चाहिए राइट क्योंकि आप जानते ही हो कि गवर्नमेंट में भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं सारी चीजें चलती हैं तो ऑनेस्ट को भी प्रोटेक्शन चाहिए दैट इज वाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ हैं उनकी जरूरत है लेकिन इसकी वजह से जो डिसऑनेस्ट है उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाता है यही मेन प्रॉब्लम है तो हमें निकालना है, से आएगा। है ना अगर हमने अपने है, वो प्रॉपरली फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे यही क्वेश्चन है आपका ठीक है तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या आ, कौन सा कॉम्पोरेंट पे आएगा तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं कॉम्पोरेंट्स में आइए तो सबसे पहले बोल रहा है हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करना है कि क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ ठीक है जिनकी वजह से गिल्टी को शील्ड मिलता है जो बच जाते हैं वो लोग है ना पहले तो हम वो डिस्कस कर लेंगे राइट फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कैसे की प्रॉब्लम्स कहां पे आती है हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे कि उन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ में प्रॉब्लम क्या क्या है राइट right? और उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे अगर हम इसको अपना हेडिंग नंबर टू वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है एक हल्का सा डायग्राम के थ्रू हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज को है ना जैसे हम हर बार करते आए हैं लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है ये कि हाउ विद ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यूज करते हुए कैसे हम इस चीज को कम कर सकते हैं करप्शन कम कर सकते हैं बीच का रास्ता निकाल सकते हैं सो so, ये दो हेडिंग है मेजरली हमारी आइए स्ट्रक्चरिंग करते हैं कि कैसे होगा तो सबसे पहले हर क्वेश्चन में जैसा कि हम आ, देखते आए हैं कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है अब यहां पे इंट्रोडक्शन किस चीज पे करेंगे ये सोचने वाली बात है है ना क्वेश्चन किस चीज पे है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पे है क्वेश्चन में एक और वर्ड है ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लेकिन आप ये देखो ये मेन वर्ड्स नहीं है है ना क्वेश्चन पूछा किस चीज पे है कॉन्स्टिट्यूशनल पे क्वेश्चन है है ना तो इसको तो हम एज अ सेपरेट हेडिंग डील करेंगे ही करेंगे हम बताएंगे ही कॉन्स्टिट्यूशन सेफ क्या है आप ये काम भी कर सकते हो कि आप इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर दो कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ हैं ये भी एक तरीका है दैट्स वे नंबर वन एक एक तरीका यह है दूसरा तरीका जो ज्यादा सही है जो मैं प्रेफर करूंगा कि आप किसी डेवलपमेंट की बात कर दो कोई करंट अफेयर्स का कोई इश्यू है जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफ हैं जैसे आर्टिकल 311 इन सब की बात अगर हो रही हो तो आप इसकी बात कर सकते हो तो बड़ा मजा आएगा एक कंटेक्सट क्रिएट हो जाएगा क्वेश्चन में है ना एक कंटेक्स आ जाएगा तो यहां पे हम इंट्रोडक्शन में अगर आपके पास नहीं है ये वाली चीज तो आप डायरेक्टली मेंशन कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड अगर है तो ठीक है बाकी इसका जो है, जो मतलब इसका जो जो है है मतलब इंफॉर्मेशन वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या लिखना है राइट पहले स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद आता है बॉडी का कॉम्पोनेंट अब बॉडी कॉम्पोनेट में आती है क्या हेडिंग्स आती है कहाँ से मिलती है हमको हेडिंग मिलती है हमको हेडिंग नंबर वन क्या हो जाएगी Constitutional safeguard. अगर आप इसको इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो तो कोई बात नहीं ये आपकी हेडिंग नहीं बनेगी लेकिन यहाँ पे डिस्कस करूंगा इसे, इसे as a separate heading. है? फिर आप हो सकता है, आप problems जो वहां पे है उसका एक सपरेट एक डायग्राम बना दीजिए राइट एंड फिर आ जाएगी आपकी हेडिंग नंबर टू वॉट इज हेडिंग नंबर टू की हाउ ट्रांसपेरेंसी हाउ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन क्या पूछा है क्वेश्चन में जो एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन ने पूछा है वही आपको लिखना है कैन एनश्योर प्रो एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट यही लिखना है आपको कैन एनश्योर प्रो एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट एग्जैक्टली यही हेडिंग लिखना है इसको कर देना है बॉक्स के अंदर बंद एंड दैट इज अवर स्ट्रक्चर ठीक है फिर इसके बाद जैसे कि हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं एक प्री कंक्लूजन पे आप आ जाइए वैसे स्पेस शायद कम पड़ जाएगा आपको तो हो सकता है आप ये मेंशन ना कर पाओ लेकिन आप फिर भी एक वे फॉरवर्ड टाइप की चीज मेंशन कर सकते हो बट यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है जो हेडिंग नंबर टू है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प करेगी वो ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर टू वे फॉरवर्ड है ठीक है तो अगर आप ये प्री कॉन्क्लूशन वाला स्किप भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं कि आपको जब आंसर लिखोगे ना तो बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि मैं वे फॉरवर्ड लिखूं कि ना लिखूं कहाँ पे लिखूं तो ये सारे कंफ्यूजन आपको होने वाले तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अलग-अलग तरीके -अलग से कि क्या चीज कब लिख सकते हैं क्या चीज कब हम स्किप कर सकते हैं ठीक है तो ये चीज हो गई फिर आप आ जाओगे अपने कंक्लूजन पे क्या होगा कंक्लूजन कंक्लूजन अब सिंपल होगा आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी आप रिकमेंडेशन दोगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है उस पे आप कंक्लूजन लिख दोगे क्या लिखेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बाद में तो हमें समझ में आ आ गई पूरी ठीक है अब हम जाते हैं अपने एक्चुअल कंटेंट पे तो सबसे पहले लिख सकते हैं, तो में आप लिख सकते हो कि अभी रिसेंटली एक पुलिस ऑफिसर है मुंबई के जिनको सस्पेंड कर दिया गया था बाई मुंबई पुलिस कमिश्नर राइट मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने उनको सस्पेंड कर दिया था विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो अब आप देखो कि विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो प्रॉब्लम ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो आर्टिकल 311 है वो ये सेफ प्रोवाइड करता है कि आप किसी को भी बिना इंक्वायरी के नहीं हटा सकते है ना इवन जजमेंट्स भी है सुप्रीम कोर्ट के वो भी यही बोलता है तो इसी वजह से ये जो आर्टिकल है वो न्यूज में था और आप इसी को यूज करके अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हो ठीक है कि विदाउट यूजिंग विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्योंकि यार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जरूरी है हाँ ये डिले भी करता है प्रॉब्लम तो यही है कि ये डिले भी करता है लेकिन नेचुरल जस्टिस का पार्ट भी तो है भाई इंसान को एक बार बोलने का उसको अपने पॉइंट रखने का मौका तो मिलना ही चाहिए कि वो गलती अगर उससे हुई है तो क्यों हुई है क्या सर्कमस्टांसेस है सारी चीजें है ना तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते वो वाली बात है ठीक है तो ये आप कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन में फिर हम आ जाएंगे अपने one, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वॉट आर दी वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ ठीक है इसको आप फुल फॉर्म में लिख के इसको आप हेडिंग के अंदर डाल देना और फिर हम डिस्कस करेंगे तो यहां पे आप सबसे पहले डिस्कस कर सकते हो आर्टिकल 310 वो क्या बोलता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है कौन सी डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ये क्या बोलता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव है जो भी सिविल सर्वेंट है दे वर्क अंडर या फिर मतलब यूनियन सेंट्रल के सिविल सर्वेंट हो या फिर स्टेट के हो तो सेंट्रल वाले जो है दे वर्क अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये बोलता है एंड जो स्टेट वाला है वो वर्क अंडर द प्लेजर ऑफ द गवर्नर जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये अपॉइंटिंग अथॉरिटीज होती हैं आपको पता है जब आप आई ऑफिसर बनोगे तो आपको इन्हीं की तरफ से अपॉइंटिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा राइट right? तो ये चीज जो है ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इनके प्लेजर मतलब इनके ऊपर uh, डिपेंड करता है वो कब तक काम करें कब तक काम ना करें ठीक है लेकिन जो आर्टिकल थ्री है वो क्या बोलता है वो बोलता है कि सबसे पहले आप जो रिमूवल है अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूवल कैन नॉट बी डन बाई एन अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू दथॉरिटी मतलब जिस अथॉरिटी ने उनको अपॉइंट किया था उससे सबॉर्डिनेट अथॉरिटी उनको रिमूव नहीं कर सकती तो अगर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था तो इससे ऊपर तो कोई है नहीं तो प्रेसिडेंट के नीचे कोई भी इंसान इनको रिमूव नहीं कर सकता एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड टू द सिविल सर्वेंट कि जब तक प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा तब तक रिमूव नहीं कर सकते अब ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो बात होती है गवर्नमेंट ठीक है दूसरी चीज यह है कि यहां पे वही इंक्वायरी वाला कि आपको पहले स्टेज पे मतलब जब आपको जब आपकी तरफ जब आपकी इंक्वायरी हो रही है तो फर्स्ट स्टेज जो है उस पर आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा ठीक है तो ये एक चीज हो जाती है अच्छा इसमें एक और चीज मैं बता दूं अब तो नहीं है वो चीज फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ने हटा दिया था पहले इसमें ये था कि आपको दो स्टेजेस पे आ, दो स्टेजेस पे मौका मिलता था एक जब आपकी इंक्वायरी हो रही है जब जब इंक्वायरी चल रही तो भी आपको बोलने का मौका मिलता था अपने पॉइंट रखने का मौका मिलता था और दूसरा जब आपको पनिशमेंट मिल जाती है तो भी आपको मौका मिलता था कि आपको ये पनिशमेंट जस्टिफाइड लग रही है कि नहीं लेकिन आफ्टर दी सेकेंड अमेंडमेंट ये चीज रिमूव कर दी गई है तो अभी बस एक स्टेज की इंक्वायरी है फिर जो पनिशमेंट मिलेगी वो आपको लेना ही पड़ेगा ठीक है ये वाली बात हो गई और क्या सेफ हैं अगर हम और कुछ बात कर लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स हैं 1961 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल नाइनटीन सिक्सटी वन तो इसमें भी आ, प्रोसीजर्स हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स हैं कि कैसे हम आ, करेंगे क्या क्या प्रोसेस होगा तो इसमें भी डिले होता है पर यह सेफ गार्ड के लिए है कि भाई कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता कब आ, कब इंक्वायरी स्टार्ट होगी प्रायर सेंक्शन वो सारी बात वो सारी बातें हैं ठीक है थीके? तो ये वाली बात है और अगर अगर एक और जो सेफ गार्ड है वो है जुडिशियल सेफ गार्ड है ना कौन सा है जुडिशियल सेफ कि भाई अगर आ, सिविल सर्वेंट को लगता है कि उनको फालतू में आ, कोई भी पनिशमेंट दी जा रही है तो वो ट्राइब्यूनल में सबसे पहले जाएंगे कौन से ट्राइब्यूनल्स होते हैं कैट है ना कैट ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं एंड उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं आफ्टर द ट्राइब्यूनल तो ये वाली बात है तो ये कुछ सेफ uh, गार्ड्स है जो सिविल सर्वेंट के पास अवेलेबल है बट इसमें प्रॉब्लम वही है कि काफी डिले होता है डिले होता है फिर उसके बाद बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस है बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप एज अ डाइग्राम मेन्शन कर सकते हो है ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है फिर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि इंटरनल इंक्वायरी है तो करप्शन के केसेस भी हो जाते हैं है ना मतलब अंदर ही अंदर सुलझा लिया है ना इंटरनल करप्शन के केसेस हो जाते हैं तो ये सारे हैं इसके प्रॉब्लम्स इन चीजों में ठीक है कुछ मैं जज, कुछ मैं आपको वैसे इस क्वेश्चन में यूज नहीं है लेकिन मैं कुछ जजमेंट्स आपको बता देता हूं जो शायद आप किसी और क्वेश्चन में पक्का यूज कर पाओगे तो जजमेंट नंबर 1 है सुखबंस सिंह वर्सेस, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का सुखबंस सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब तो इसमें इसमें यही है कोर्ट ने यही बोला था कि अगर आप सस्पेंड करते हो ठीक है सस्पेंशन तो सस्पेंशन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ठीक है वो पनिशमेंट नहीं है तो अगर सस्पेंड आप करते हो तो आर्टिकल 311 अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो पनिशमेंट नहीं है तो पहला तो ये जजमेंट हो गया दूसरा जजमेंट एक और है श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी श्यामलाल वर्सेस आप इसका नोट कर लीजिएगा स्टेट ऑफ यूपी तो इसमें गवर्नमेंट ने इसने इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि अगर गवर्नमेंट कंपलसरी रिक्वायरमेंट देती है कंपलसरी रिटायरमेंट देती है कंपलसरी रिटायरमेंट अगर प्रोवाइड करती है तो ये भी पनिशमेंट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि इससे कोई लॉस नहीं हो रहा ना लॉस एज एन जो उसने सर्विस तब तक की है उसका तो लॉस हो नहीं रहा है तो इसलिए यह भी आर्टिकल 301 के अंडर एट्रीड्रेड के अंदर नहीं आएगा एंड गवर्नमेंट ये काम कर सकती है तो ये वाली चीज हो गई ठीक है एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट है इज uh, पुरुषोत्तम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ठीक है पर शोत्तम ढेंगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ठीक है इसमें यह बोला गया है कि अगर आपको चेक करना है कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो पनिशमेंट है या नहीं राइट right? अगर हमें चेक करना है कि वो पनिशमेंट है या नहीं तो हमें टू टेस्ट लगाने पड़ेंगे एक टू लेवल का टेस्ट है ठीक है टेस्ट क्या है वो सबसे पहला टेस्ट है ये देखना कि सिविल सर्वेंट के पास राइट था क्या उस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करने का राइट टू द पोजीशन अब ये राइट कब होता है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो राइट right? तो अगर अगर कॉन्ट्रैक्ट साइंड है अगर आपके पास राइट right पोजिशन को होल्ड करने का तो वो पनिशमेंट में काउंट होगा तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी आर्टिकल 311 के अंडर ठीक दूसरा टेस्ट आप ये लगाओगे कि क्या कोई इविल कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे है ना मतलब क्या सिविल सर्वेंट ने कुछ ऐसा गलत काम सच में किया है तो अगर ऐसा किया है तो प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा अंडर आर्टिकल 311 ठीक है तो ये सारे जजमेंट मिला के कई बार डिसीजन मेकिंग की जाती है और फिर उसके बाद देखा जाता है तो अब हम आ जाते हैं ये हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हमने अपनी हेडिंग नंबर वन डिस्कस कर ली हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली अब हम आ जाते हैं कि हम क्या करें हाउ टू इंश्योर कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे लाएं एंड कैसे वो हेल्प करेगा क्या हेल्प करेगा एनश्योर की पब्लिक सर्वेंट प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं

तो बहुत सारे या तो आप मतलब इमेजिन करो एक सिविल सर्वेंट को इमेजिन करो ठीक है, right, है, कर है तो ये आपने जब इमेजिन किया तो बहुत सारे पॉइंट्स अपने आप आपके दिमाग में आएंगे तो चलिए एक एक तो सबसे पहले तो हमें करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सबसे पहला प्रोसेस है कि भाई जो भी प्रोसेस है उसको अप कर दीजिए

ये कर सकते हैं ठीक है तीसरी चीज क्या कर सकते हैं कन्फिसके कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो डाउटफुल है है ना उसको आप फॉर टाइम बिंग तो कन्फिस्केट कर दो इससे क्या होगा एक डेटरेंस इफेक्ट क्रिएट होगा सिविल सर्वेंट के अंदर है ना वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता वो उसके साथ कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटल लेवल पे गेम नहीं खेल सकता कि ये बच्चा है तो आप फटाफट कन्फिस्केट कर दो बाद में दे देना अगर अगर चीजें गलत प्रूव होती हैं है ना चौथी चीज जो आपको याद रखनी है कि विसल ब्लोअर विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन करना विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है इवन इन वन रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन उसने ये चीज रिकमेंड की है तो ये भी आप एज इन ब्रैकेट या फिर एज एग्जाम्पल लिख सकते हो है ना अपने पॉइंट को जस्टिफाई तो करना ही है तो आप लिख सकते हो कि लॉ कमीशन ने ऐसा बोला है है ना फिर एक एनसीआर uh, था नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसने बोला था कि भाई आर्टिकल 311 रिमूव ही कर दो तो, 311 को रिमूव ही कर दो तो, क्योंकि इसी की वजह से ना ट्रांसपेरेंसी रह जाती है ना अकाउंटेबिलिटी है इतने सारे प्रोसेस हैं इतनी सारी चीजें हैं तो उसको रिमूव ही कर दें लेकिन अगर रिमूव कर देंगे तो क्या करेंगे तो इसी ने रिकमेंड किया था कि एक सेपरेट लेजिस्लेशन होना चाहिए है ना रिमूव कर दो पर इसका मतलब ये नहीं कि सेफ हटा रहे आप एक सेपरेट लेजिस्लेशन लगा दो कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दो एक लॉ बना दो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीजों को चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है ठीक है और ये इसने ये भी कहा था कि भाई किसी और इट इज नॉट अवेलेबल इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सेफ अवेलेबल नहीं है है ना तो आप अपने जो आर्टिकल थ्री हंड्रेड इलेवन है उसको आप हटा ही सकते हो तो आप वो चीज हटा दो ठीक है उसके बाद आप सिक्स पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई कर दें स्पीडअप तभी होगा ट्रांसपेरेंसी तभी आएगी राइट जब प्रोसेस होगा ऑफिसर नंबर वन है पहले ये ये वाला काम करेगा फिर ये फाइल जाएगी ऑफिसर नंबर टू के पास तो काफी सिंपल एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अगर इसको आगे बढ़ेंगे तो हम अकाउंटेबिलिटी uh, ला सकते हैं ठीक है एक और जो बहुत

जहां पे सपोज डायरेक्ट ब्राइब आ रहा है, है ना ब्राइब जो है वो डायरेक्ट है या फिर रेड हैंडेड आपने पकड़ा है सिविल सर्वेंट को है ना तो यहाँ पे जो प्रायर सेंक्शन वाली चीज है ना कि गवर्नमेंट पहले बोलेगी कि हाँ ठीक है इंक्वायरी स्टार्ट करो वो वाली चीज हमें हटा देनी चाहिए प्रायर सेंक्शन वाली चीज हमें हटा देनी चाहिए फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम लिमिट आपसे ज्यादा ज़्यादा पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं सो so दैट आपको समझ में आए कि कैसे पॉइंट्स डेवलप कर सकते हैं आप तो इनमें से छह या सात पॉइंट ही लिख पाओगे अपने आंसर में टाइम लिमिट होनी चाहिए किसी भी प्रोसीजर की बस सिंपल है और उसको फॉलो करना चाहिए टाइम लिमिट को ठीक है फिर आप बहुत सारी और चीजें लिख सकते हो लाइक कोड ऑफ कंडक्ट लिख सकते हो कोड ऑफ एथिक्स लिख सकते हो इनफैक्ट इवन आप लिख सकते हो कि आर को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं ठीक है सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट मतलब उनके आ, जो भी उनकी फंक्शनिंग है उसको पब्लिक तक लाने में सिटीजन चार्टर का आप रोल लिख सकते हो अब ये सब क्या है कहा से आ रहे हैं ये सारे पॉइंट्स ये आ रहे हैं आपके जीएस के डायमेंशन जीएस फोर के डायमेंशन से आ रहे हैं ठीक है तो ये वाला काम आप कर सकते हो आप ये भी लिख सकते हो कि राइट टू सर्विस डिलीवरी एक्ट को हमें लाना ही चाहिए राइट टू सर्विस डिलीवरी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आ, क्योंकि यही तो मेन फंक्शन है गवर्नमेंट का यार तो इसमें तो हमें गवर्नमेंट लोगों को मतलब राइट देना ही चाहिए कि यार सर्विस तो डिलीवर होगी ठीक है फिर जो एंटी करप्शन हमारे एंटी uh, करप्शन जो ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक सी है सी uh, है ईडी है तो इन सबको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो तो अगर आपके पास ऊपर वाले स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है तो आप इन सब पॉइंट से भी कुछ ना कुछ मार्क्स तो पक्का ही ला सकते हो ठीक है और ये पॉइंट लिखना लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो अच्छे सिविल सर्वेंट है उनको रिवॉर्ड करें जैसे एक मोटिवेशन एक इंसेंटिव क्रिएट हो राइट तो इस तरह से आप अपने पूरे आंसर को लिख सकते हो स्ट्रक्चरिंग मैंने बता दी आपको एंड कंटेंट मैंने बता दिया आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बस इसके बाद आपको कंक्लूजन लिख देना है क्योंकि वे फॉरवर्ड की तरह ही हैडिंग नंबर टू उसकी जरूरत नहीं है तो कंक्लूजन लिख देना है कि वही कि कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड आर इम्पॉर्टेंट ठीक है टू प्रोटेक्ट दॉनेस्ट बट दे शुड बी मॉडिफाइड एज पर द प्रजेंट सिचुएशन सो दैट द डिसनेस्ट डू नॉट गेट द डू नॉट गेट शील्डेड ठीक है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग द ब्यूरोक्रेसी विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ठीक है तो इसका आप लिख दो इंपॉर्टेंट तो है ही ठीक है लेकिन इट शुड बी बैलेंस्ड ठीक है एंड इट विल हेल्प इन ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी जब हम बैलेंस कर देंगे तो ही ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी आएगी जो कि इंडिया को हेल्प करेगी तो इस तरह से एक ब्रॉड कंक्लूजन आपने लिख दिया ठीक समझ में आ गया रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे है ना इंट्रोडक्शन लिखोगे वो आप कॉन्स्टिट्यूशन सेफ पे भी लिख सकते हो अगर आपके पास कुछ नहीं है अदरवाइज आप एक रिसेंट है uh, अलग अलग चीज लिख दोगे तीन लिख दोगे तीन लिख दोगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आप मैंशन कर सकते हो कैट एंड कोर्ट वाली चीजें मैंशन कर सकते हो ये मैंशन कर दिया फिर आप आ जाओगे हेडिंग नंबर टू पे कि भाई कैसे हम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाए सो दैट

ठीक है आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें कि कैसे चल रही हैं क्या चल रहा है है ना तो लेट्स सी की प्रैक्टिसिंग मिलते हैं अगले वीडियो में और कीप एंजॉइंग की प्रैक्टिसिंग बी पैशनेट अबाउट दिस एग्जामिनेशन बहुत मजा आएगा जस्ट डू इट यू विल बी एबल टू क्रैप